अगर दोस्तों आप लोग लैपटॉप को पहली बार चलाएंगे तो दोस्तों आपके मन में डर रहेगा कि अगर ये वाला बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला दबा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों रियलिटी यही है कि जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी डर बना रहता था कि कहीं मैं कोई की को दबा दूं और कहीं मेरा लैपटॉप खराब ना हो जाए। तो दोस्तों इसी चीज को मैं करते करते सीख चुका हूं। तो दोस्तों मेरे मन में यही विचार आया कि क्यों ना इस चीज के बारे में वीडियो बनाया जाए, इसके बारे में बताया जाए और लोगों को जो लोग लैपटॉप को चलाना सीखना चाहते हैं उन लोगों की भी मदद मिलेगा। इस वीडियो में मैंने लैपटॉप के बारे में बेसिक सभी जानकारी दी है जिससे कि मदद मिलेगा उन लोगों को जो लोगों को लैपटॉप चलाने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों क्या आप भी 2024 में लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हैं? तो दोस्तों अगर आप लोग लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से लेकर बताया है कि लैपटॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लैपटॉप स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला इंटरफेस क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, और दोस्तों लैपटॉप में हम वीडियोस कैसे देखते हैं, गाना कैसे सुनते हैं, और दोस्तों इंटरनेट उसमें कैसे चलाते हैं, लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट होते हैं, उन पोर्ट का यूज क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल से बात किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट से बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास डेल कंपनी का लैपटॉप है। अगर आपके पास सेम लैपटॉप है तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, सब में लैपटॉप चलाने का जो फंक्शन होता है सब में सेम होता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका नाम लैपटॉप क्यों है तो दोस्तों आप उनको बता सकते हैं कि लैप में सोता है गोद और टॉप में सोता है उसके ऊपर। तो दोस्तों हम इसको गोद के ऊपर रख के चला सकते हैं, इस वजह से इसका नाम लैपटॉप पड़ा। तो दोस्तों जब आप लैपटॉप को परचेज करेंगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा और उसके साथ दोस्तों आपको एक चार्जर मिलेगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि चार्जर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है यहाँ पे केबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केबल है, और दोस्तों दूसरा हमारा ये एडाप्टर है। ये केबल दोस्तों आपके जो घरों में स्विच लगा होता है, पावर स्विच, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें ये लगेगा, और दोस्तों उसके बाद ये जो इसके पीछे का हिस्सा है वो इस एडाप्टर में लगेगा जो कि दोस्तों एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये जो एडाप्टर है ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। तो चलो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लैपटॉप को हम ऑन कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपका जो लैपटॉप है उसमें बैटरी है, नई लैपटॉप है तो उसमें बैटरी तो होगी ही। अगर उसमें बैटरी है दोस्तों तो आपको चार्जिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर दोस्तों आपके लैपटॉप में बैटरी नहीं तो सबसे पहले आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम लैपटॉप को कैसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैपटॉप को ऑन करने का एक बटन होता है दोस्तों, चाहे बटन वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो। तो दोस्तों हमारे केस में जो हमारा लैपटॉप है उसमें जो पावर ऑन का मतलब लैपटॉप को ऑन करने का जो बटन वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों सिंपली हम लैपटॉप को ऑन करने का जो बटन होता है उसको हम दोस्तों यहाँ पे प्रेस करेंगे एक या दो सेकंड के लिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही प्रेस करेंगे थोड़े समय बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है ऑन होके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों लैपटॉप को सीखने से पहले हमको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कौन सा विंडोज पड़ा हुआ है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, या फिर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास विंडोज 10 है, हमारे जो लैपटॉप में विंडोज पड़ा है वो है विंडोज 10। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विंडोज क्या होता है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 होते क्या है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लैपटॉप के बेसिक नॉलेज के बारे में। दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लैपटॉप में जो ये एरिया होता है जिसको हम टच पैड बोलते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन में टच एरिया आपका स्क्रीन होता है उसी तरह से दोस्तों लैपटॉप में एक टच पैड होता है, इतना एरिया हमारा टच पैड है। इसमें दोस्तों दो बटन दिए होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। तो दोस्तों टच पैड के द्वारा हम अपने जो हमारा कर्सर है इसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए। इससे हम अपने जो हमारा कर्सर होता है इसको हम इधर से उधर मूव कराते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप के साइड में हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहला जो पोर्ट मिलेगा इधर से ये दोस्तों हमारा चार्जिंग पोर्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा HDMI पोर्ट आ जाता है, ये हमारा मिनी HDMI पोर्ट है, ये हमारा HDMI पोर्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा जो पोर्ट आपको ये पोर्ट दिख रहा है ये दोस्तों हमारा LAN पोर्ट है, जिसपे हम दोस्तों लैपटॉप में डायरेक्ट एक LAN केबल जो कि नेटवर्क का केबल होता है उसको दोस्तों यहाँ पे हम लगाते हैं।
और दोस्तों ये हमारा यूएसबी केबल होता है जिसमें हम यूएसबी केबल को लगाते हैं, जिससे हम माउस या फिर कीबोर्ड को यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों ये हमारा ऑडियो जैक होता है, इससे दोस्तों हम अपने ईयरफोन हेडफोन को कनेक्ट करते हैं और स्पीकर को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमको भी एक मेमोरी कार्ड होता है, पोर्ट दिख जाएगा, उसके बगल में दोस्तों हमारा एक और यूएसबी पोर्ट दिख जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक वीजीए पोर्ट दिखेगा। अब दोस्तों वीजीए पोर्ट का मतलब क्या होता है, लैपटॉप से एक मॉनिटर को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीजीए पोर्ट के द्वारा हम अपने लैपटॉप को एक बड़े से मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर अब आपको लैपटॉप में कुछ लिखना चाहते हो, कुछ टाइप करना चाहते हो, कुछ टेस्ट लिखना चाहते हो, तो दोस्तों आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पे आपको एक स्टार्ट बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे नोट पैड सर्च करके ही दोस्तों इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों अब आप इसमें अगर कुछ भी टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ टेस्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी वर्ड को टाइप कर रहे हैं वो वर्ड हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ए को प्रेस करेंगे, ए की को, उसमें यहाँ पे ए आ जा रहा है, एस आ रहा है, डी आ रहा है, एफ आ रहा है। इस तरह से हम अपने लैपटॉप में किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने बात ये है कि यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में आ रहा है, सबको हमको कैपिटल लेटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कैप्स लॉक की होगा, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसको दबाएंगे यहाँ एक लाइट जल जाएगी दोस्तों, तो जिससे पता चल जाएगा कि हमारा कैप्स लॉक जो बटन है वो ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जब कोई भी दोबारा से की दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सब कुछ कैपिटल लेटर में आ रहा होगा। दोस्तों अगर हमको मैटर को किसी भी टेस्ट को कैपिटल लेटर में लिखना हो तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।